मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाता तोड़ दिया। ऐसा करके प्रदेश की सियासत में सिंधिया ने अपने कद का एहसास कांग्रेस के नेताओं को दिखा दिया, क्योंकि सिंधिया के भाजपाई हो जाते ही 22 विधायकों ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और राज्य की सत्ता एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथों में चली गई। तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सिंधिया पर वार किए जा रहे हैं। सिंधिया के प्रति कांग्रेस के कड़े रुख को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंधिया को माफ़ करने के मूड में कांग्रेस कतई नहीं है। अब इन सब के आधार पर जो खबर आई है, कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया की बगावत पर निशाना साधते हुए एक गाने की रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें सिंधिया को धोखेबाज बताया गया, सिंधिया के धोखा देने की कहानी सुनाई गई और इस रिकॉर्डिंग को प्रदेश के 25 संसदीय क्षेत्रों में सुनाया जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब इस गाने के माध्यम से कांग्रेस लोगों को ये याद दिला रही है कि कांग्रेस को सिंधिया का इस तरह जाना और सत्ता गंवाने का दर्द सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन जनता से बेवफाई नहीं। आपको बता दें, कांग्रेस इस गाने के माध्यम से 25 संसदीय क्षेत्रों में लोगों के समक्ष इस बात को रखना चाहती है कि सिंधिया ने कांग्रेस को नहीं बल्कि जनता को ही धोखा दिया है। अब ऐसे माहौल के बीच में जो ताज़ा जानकारी आ रही है, चलिए उससे आपको रूबरू करवाते हैं। खबर आ रही है कि सिंधिया के कांग्रेस से नाराज़गी के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें वापसी करके कमलनाथ एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजा कर बैठे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, ये अब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए भी हैं। अब यहाँ पर चुनाव जनता का विश्वास जीतने के लिए तो है ही, साथ ही जनता के समक्ष कौन है बाहुबली, कौन है जनता का सबसे पसंदीदा चेहरा, ये साबित करने के लिए भी है। इसलिए दोनों ही तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाकर वार पलटवार का दौर जारी है। कोविड-19 के कहर के बीच इसी बयानबाजी ने मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।